अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड कहाँ है? हमें नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। किस मूवी ने बदल दिया आमिर का करियर? जानिए दंगल 2 के लिए आमिर चार्ज करेंगे कितनी फीस? कौन करेगा दंगल 2 को प्रोड्यूस? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इसप्रिया, मैं हूं आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज हम बात करेंगे आपके अपने फेवरेट आमिर खान के बारे में। आमिर खान आज करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। आमिर खान को आज किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, उनका नाम इंडस्ट्री के मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर्स में लिया जाता है। आमिर खान ने अपना एक्टिंग डेब्यू 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक से शुरू किया था, और इसी मूवी ने आमिर खान के करियर को बदल दिया। ऑडियंस ने उनके इस मूवी को काफी पसंद किया, और इस मूवी के बाद आमिर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि आमिर का यह सफर आसान नहीं था, उन्होंने 2 साल तक थिएटर्स में भी काम किया था, मगर कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। 1988 के बाद आमिर ने बॉलीवुड में कई हिट्स दिए, जैसे राजा हिंदुस्तानी, सरफरोश और गजनी। उन्होंने रोमांटिक, एक्शन और तारे जमीन पर जैसी फिल्में किए, और उनका नाम फैंस के दिलों में छा गया। इसके बाद आमिर ने प्लेबैक सिंगिंग, डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी अपना हाथ आजमाया। उन्होंने अपना प्रोड्यूसिंग डेब्यू 2001 में आई आशुतोष गवारिकर की फिल्म लगान से किया, जिसमें आमिर खान भुवन के लीड रोल में नजर आए थे, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गई। आमिर खान धीरे धीरे अपनी फीस भी बढ़ाते गए, मगर अब बात काफी आगे बढ़ चुकी है, और अब आमिर खान अपनी फिल्मों के लिए 5 या 10 करोड़ ऐसी फीस चार्ज नहीं करते। अब आमिर खान चार्ज करते हैं मूवी का कुछ परसेंट प्रॉफिट। आमिर खान ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि अगर उनकी मूवी फ्लॉप जाती है तो वो उसके लिए कोई भी फीस नहीं लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस बात के लिए खुद को भी जिम्मेदार मानेंगे। फिल्मी बीट की एक रिपोर्ट माने तो आमिर खान ने दंगल के लिए 100 करोड़ का सीधा प्रॉफिट लिया था। तो जाहिर है कि दंगल 2 के लिए आमिर खान ने फिल्म मेकर्स के साथ अपना प्रॉफिट मार्जिन अभी तक फिक्स कर ही लिया होगा, मगर वो प्रॉफिट परसेंट कितना है, इस बात को लेकर अभी तक कोई भी न्यूज बाहर नहीं आई है। दंगल की बेहतरीन कलेक्शन को देखते हुए इसको कोई भी प्रोडक्शन कंपनी प्रोड्यूस करने के लिए मना नहीं करेगी, मगर आमिर खान ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, और दंगल 2 को भी आमिर खान की प्रोडक्शन टीम ही प्रोड्यूस करेगी। दंगल 2 पर काम अगले साल ही शुरू हो पाएगा, क्योंकि अभी आमिर खान अपने बाकी प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। आपको अगर हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे वीडियोस के अपडेट्स हमेशा मिलते रहें। खुश रहे, सेफ रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर।